Welcome to Sangharshastav 12 channel. Tomorrow 1 year of demonetization in India will be completed, so I'm just gonna tell some questions and answers to them. So let's begin. So everybody knows what's demonetization. On the 8th of November 2016, the government of India, head of cabinet Mr. Narendra Damodar Das Modi, Honorable Prime Minister of India, announced the demonetization, commonly called Notbandi, of all 500 value in US dollar $7.80 and rupees 1000 value US dollar 16 banknotes of Mahatma Gandhi series. The government of India claimed that the major action would bring a large amount of black money used to work on black market out. तो दोस्तों 8 नवंबर 2016 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 500 रुपए तथा 1000 रुपए के नोटों को बंद किया था, यह कहकर कि इससे काफ़ी कालाधन बाहर आएगा और करप्शन भी हटेगा. चलिए कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. तो एक क्वेश्चन आया था, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी. India's GDP, which grew at 7.6% rate in FY 2015-16, is likely to slow down by 0.5% to 1.5%. This is due to the less availability of cash in cash-intensive sectors like manufacturing and real estate. तो क्या effect था demonetization का, नोटबंदी का, India के धन और मार्केट्स पे, रियल एस्टेट पे. तो जो जीडीपी था, जो 7.6 उस पर चलता था, अब वो 0.5 तथा 1.5 के रेट पर चल रहा है. दूसरा, व्हाट वर द नेगेटिव इफेक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन. सेकंड, सो पीपल हैड टू स्टैंड इन लाइन फॉर आवर्स एंड गेट अ न्यू रुपीज 500 एंड रुपीज 2000 नोट्स और रुपीज 100 नोट्स इन एक्सचेंज एंड समटाइम्स दिस रिजल्टेड इन मेजर वायलेंस. तो क्या बुरे इफेक्ट्स थे डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के. तो लोगों को कई देर तक लंबी लंबी बैंक की कतारों में, एटीएम की कतारों में खड़ा होना पड़ता था, नए 500, 2000 तथा 100 रुपये के लिए. और कई बार लोग गुस्से के मारे वहाँ पे बहुत बवाल हो जाते थे. चलिए थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वर द पॉजिटिव इफेक्ट्स ऑफ डिमोनेटाइजेशन. फर्स्ट, रिड्यूस्ड करप्शन इन गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड अमाउंट रिसीव्ड और टर्न टू वाइट मनी वाज अ ग्रेट हेल्प टू स्कूल्स, गर्ल एजुकेशन एट्सेट्रा. तो क्या पॉजिटिव अच्छे इफेक्ट्स थे नोटबंदी के. तो पहला, एक तो गवर्नमेंट ऑफिसेज में जो करप्शन होता है सरकारी दफ्तरों में, वो ख़त्म हो गया है या कम हो गया है कई जगहों पर. और जो बाकी का धन जो मिला था इससे, उससे स्कूल और लड़कियों की पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट गवर्नमेंट दे रही है. तो नेक्स्ट पॉइंट, वन ऑफ द मेजर फॉल्ट्स, अब कुछ फॉल्ट्स भी थी इसमें, वन ऑफ द मेजर फॉल्ट्स वॉज दैट पेइंग रुपीज पेइंग द 45% ऑफ द ब्लैक मनी of the total tax and penalty, the money shall be considered white. तो government ने ये कर दिया कि जो 45% black money है, आपका black money है, उसका 45% tax, total tax और penalty अगर आप pay कर दें तो बाकी का money white हो जाएगा. Thank you, Sangharshastav 12 channel with cameraman Vidhan Shrivastav. Happy India.